नमस्कार, मैं अलीशा पठान, आप देख रहे हैं 24 यूपी न्यूज। मैनपुरी में आज डॉक्टर चिरौंजी लाल के द्वारा रचित गांव के मसीहा नामक उपन्यास का लोकार्पण लखनऊ से पधारे जाने माने साहित्यकार हरि सिंह पाल द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा, इस उपन्यास को पढ़ने से गांव क्षेत्र में रह रहे लोगों को अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष करने की प्रेरणा मिलेगी। डॉक्टर चिरौंजी लाल यादव गांव क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ग्रामीणों के आने वाली दिक्कतों को देखकर ही उन्हें ये उपन्यास लिखने की प्रेरणा मिली है। इस लोकार्पण के मौके पर कई जाने माने साहित्यकारों के अलावा सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर हरिचंद शाखे ने किया। एक जो कथाकार है वो अपनी बात को एक पात्र के रूप में रखता है, इस तरीके से आत्मकथात्मक उपन्यास है ये। चूँकि ये मैनपुरी जनपद की अंचल पर केंद्रित है तो इसको आंचलिक उपन्यास भी कह सकते हैं। जैसे फणीश्वरनाथ रेणु में जो लिखे थे उसी श्रेणी का ये आंचलिक उपन्यास है। और चूँकि ये सामाजिक उपन्यास है और विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण उपन्यास है कि जो राजनीति जो क्षेत्रीय स्तर पर होती है, ग्राम स्तर पर होती है, उसका जीवंतता के साथ में वर्णन किया गया है, जो प्राय जो आधुनिक उपन्यासों में नहीं होता। और आधुनिक उपन्यासों में ज़्यादातर प्रेम कथा होती है, रहस्य रोमांचिक कथा, वो इसमें रहस्य रोमांच नहीं बल्कि जो जमीनी स्तर पर गांव स्तर पर जो राजनीति है कैसे वो विकसित होती है, कैसे वो पल्लवित होती है। अपने आप को हीरो बनाने का प्रयास किया। पढ़ने के बाद पाठक को ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि आज जिस प्रकार से अन्याय और जो अत्याचार होता है उसकी हाँ में हाँ आम समाज के लोग सभी करते चले जा रहे हैं। तो इस उपन्यास से ये प्रेरणा देने का लेखक के द्वारा प्रयास किया गया है कि हम अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध एक स्तंभ की तरह से खड़े होकर के उसका हम विरोध करें और अधिकारियों से जूझ करके जो समाज का हक है उस हक को आम समाज के पास या हमारे समाज का जो निचले तबके का व्यक्ति है उसके पास तक हम उसके हक को पहुँचाएं।